थोड़ा मुझे आज जो रूब्रिक समझाना है ना वो प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल, तो प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल इसमें मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया उसको भी बता देता हूं। इन दिस केस पेशेंट टोल्ड दैट ही हैड मिल्क मिक्स मिक्स विद टर्मरिक। ऑन लिसनिंग फ्रॉम द पेशेंट अबाउट सच थिंग्स मीन्स होम रेमेडीज और एनीथिंग एल्स वी हेस्टन टू सिलेक्ट दिस रूब्रिक विदाउट यूजिंग अवर रीजन। यानी यहाँ बहुत बड़ा ट्रैप होता है। पेशेंट ने कहा कि मैं दूध में हल्दी मिला के पिया, तो हम सीधा प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल पे आ जाते हैं। प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल रूब्रिक हम समझे ही नहीं ठीक से। बहुत सारे रूब्रिक्स के मिसयूज होते हैं। अगरचे रेमेडी कभी कभी सही आ जाती है जो दूसरे रूब्रिक्स में भी होती है और पेशेंट का स्टेज होता है, तो भले हम शायद परखने में गलत ठहरे हो लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो सही रेमेडी आ जाती है और फिर हम ये समझ लेते हैं कि प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल का मतलब ये है। तो हमें ऑथेंटिसिटी क्रिएट करनी है रूब्रिक्स में, क्योंकि रूब्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट की है हमारे लिए और ऑथेंटिक होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए। हाइपोथेटिकल प्रैक्टिस नहीं लेकिन होम्योपैथिक ऑथेंटिक होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए रूब्रिक्स का समझना और समझ कर उसको हमारे क्लिनिक में पेशेंट क्या बोलेगा कैसे बोलेगा उसको सीखना जरूरी है। हमारे सामने हर रूब्रिक में हमें यही सीखना है कि पेशेंट बोलेगा कैसे, पेशेंट हमारे सामने आएगा कैसे, बस वही चीज सीखनी है। बाहर की बातें हैं ये वो सब, उससे हमारे प्रैक्टिस में कोई हेल्प नहीं होती है। तो ऑन लिसनिंग फ्रॉम द पेशेंट अबाउट सर वी हैव टू सिलेक्ट दिस रूब्रिक विदाउट यूजिंग अवर रीजन वी शुड थिंक ओवर इट। दिस पेशेंट हैज मिल्क विद टर्मरिक ओनली बिकॉज दैट ही कैन नॉट टॉलरेट एलोपैथिक मेडिसिन। इसने एज अ मेडिसिन लिया हुआ है, उसको मेडिसिन चाहिए था। अब एलोपैथी देखा तो पॉइजन बीइंग का फियर है, तो उसने फिर ये निर्दोष मेडिसिन ले ली। यानी ये उसका दूध में हल्दी मिलाकर लेना, क्योंकि वो दूध के गुण भी जानता है हल्दी के गुण भी जानता है। उसने ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे जो दादी माँ की जो मेडिसिन वो ली। तो उसने उस टाइम थोड़ी राहत पाने के लिए ये ले लिया। ऑप्शनल चीज थी उसके लिए, ऑल्टरनेटिव चीज थी वो। मिल्क या हल्दी के प्रति प्रिजुडाइज नहीं था या ट्रेडिशन नहीं थी उसके यहाँ के। भाई हमारे यहाँ तो ये हल्दी होती है, अगर हम चाहें तो उसको कंफर्म कर लेते हैं कि भाई आपने हल्दी वाला दूध क्यों लिया। तो अगर वो कहेगा कि हल्दी में तो राहत रहती है, ऐसा तजुर्बा है, लोगों का अनुभव है, तो फिर भी ये एक मेडिसिन हो जाएगी, ये ट्रेडिशनल नहीं। और अगर ये कहता है कि भाई ये बरसों से चली आ रही है ये चीज, बरसों से लोग लेते रहते हैं कि खांसी सर्दी होती है तो हल्दी खाओ ये खाओ, तो ये प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज हो। प्रिजुडाइज मतलब एक बायस्ड हो जाना। सो व्हेन शुड वी सिलेक्ट द रूब्रिक प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल प्रिजुडाइसिस। अब इस पे आता हूं। वी मस्ट वेर, ये मेरे नोट्स में से डायरेक्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि पूरी सारी लंबी नोट्स है, तो बंद करके मैं पढ़ूंगा बताऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स रह जाएंगे। तो आज का मेरा इंटेंशन ये है कि कोई भी पॉइंट्स रह न जाए। वी मस्ट वेरी फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रूब्रिक ऑफ दिस, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस रूब्रिक। अब प्रिजुडाइज का हम मीनिंग पढ़ते हैं, पहले लेक्सिकल मीनिंग पढ़ेंगे। रूब्रिक को कैसे सीखना वो मैं आज बता रहा हूँ। लेक्सिकल मीनिंग में है एन अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग फॉर्म्ड बिफोर हैंड और विदाउट नॉलेज। देखो अब कैसा क्या ऐसा ये मीनिंग है, हमको अफसोस होगा कि हम कैसे मिसयूज कर लेते हैं। अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग फॉर्म बिफोर हैंड और विदाउट नॉलेज। बिफोर हैंड यानी तहकीक किए बिना ही हमने एक ओपिनियन कर लिया क्या। एज एन एग्जाम्पल, विष्णु भाई कैमरा में नहीं है, तो मैं प्रिजुडाइज अगर होऊंगा तो क्या अशोक भाई कैमरा आपको दिखाना नहीं चाहते ना इसलिए चले गए। अशोक भाई का कैमरा बेकार है ना तो वो इसके लिए चले गए। ये क्या हुआ, मैंने अभी अशोक भाई से पूछा ही नहीं कि अशोक भाई क्या हुआ, और मैंने अपना चालू कर दिया जजमेंटल, जजमेंटल बन गया मैं। ये प्रिजुडाइज
विदाउट नॉलेज थॉट और रीजन, कोई लॉजिक भी नहीं है। अगर कोई लॉजिक होता है कि हम मैथमेटिक्स करके क्योंकि ये चीज ये दिखा रही है कि जैसे वो दया उसको गड़बड़ है प्रद्युम्न का ना, ये शायद सिगरेट का आधा पीस पड़ा हुआ है और ट्रे में ऐश पड़ी हुई है और दरवाजा अंदर से खुला हुआ था, मतलब कि कोई आके गया है, कोई जेंट मेल आके गया है, तो सिगरेट की ब्रांड देखता है कि ये तो मेल की ब्रांड है, तो ये लॉजिक से है, ये प्रिजुडाइज नहीं हुआ। तो विदाउट लॉजिक और विदाउट नॉलेज और किसी भी तरह की तहकीक के बगैर किसी चीज का ओपिनियन कायम कर लेना, ये अनफेवरेबल ओपिनियन होता है और ये प्रिजुडाइज है। अनरीजनेबल फीलिंग्स, ओपिनियंस और एटीट्यूड स्पेशली ऑफ हॉस्टाइल नेचर रिगार्डिंग एन इथनिक रेसिकल सोशल और रिलीजियस ग्रुप के, नहीं यार ये कम्युनिटी तो ऐसे ही होती है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये भी एक प्रिजुडाइसिस है। ये ना उसका स्टडी किया, ना उस कम्युनिटी के बारे में जाना, ना उस कोई रिलीजन से प्रिजुडाइसिस है तो उसके रिलीजन को हमने ना पढ़ा है, बस ऊपर से सुपरफिशियली हमने एक ओपिनियन कायम कर लिया कि भाई ये तो ऐसा ही होता है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो ये प्रिजुडाइसिस है। अब दूसरा वर्ड इसका है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी परंपरा, ए लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड और इनहेरिटेड वे, परंपरा विरसे में चल रहे, वे ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड और इनहेरिटेड वे यानी लंबे टाइम से एक अमल में आई हुई या विरसे में उतरी हुई सोच या एक्टिंग यानी कोई काम या कोई एक्शन। दूसरा मीनिंग है द हैंडिंग डाउन ऑफ स्टेटमेंट्स बिलीफ्स लीजेंड्स कस्टम्स इंफॉर्मेशन, द हैंडिंग डाउन ऑफ स्टेटमेंट बिलीफ्स लीजेंड्स कस्टम्स इंफॉर्मेशन एटसेट्रा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी उसके बाप ने हमारे दादा ने ये सिखाया हमको कि बेटा ऐसे चलने का, बेटा ये राइट हैंड से खाने का लेफ्ट चाहिए, या बेटा ऐसे कपड़े ऐसे पहनने के, दादा ने अब्बा को सिखाया, अब्बा ने हमको सिखाया, हम अपने बेटों को सिखा दें, तो ये भी एक ट्रेडिशन हुई कि भाई हमारे जो परंपरा है उसमें ये ट्रेडिशन। हाँ जनरली पीपल यूज द होम मेड रेमेडीज इन एनी एलिमेंट्स बट वी हैव टू आस्क द पेशेंट एज टू व्हाई ही हैड गॉट इट, यानी कोई बताता है कि मैंने लौंग ले लिया, मैंने इसमें डाल के ये खा के किचन में से ये ले लिया, तो हमें प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल रूब्रिक सिलेक्ट करने से पहले हमें उसको पूछना है इफ वी कैन फाइंड दैट ही हैज टेकन द होम रेमेडी विद द नॉलेज ऑफ इट्स क्यूरेटिव प्रॉपर्टी एंड एज ए मेडिसिन इट इज नाइदर प्रिजुडाइज नॉर ए ट्रेडिशन, यानी उसके बताने पर बोलता है कि साहब मैंने पढ़ा था कि लौंग जो है उसका कफ का इफेक्ट है और दूध का ये इफेक्ट है, तो मैंने पढ़ा था यानी नॉलेज एक्वायर किया है, तो वो मेडिसिन में आ जाता है, वो कोई ट्रेडिशनल प्रिजुडाइसिस नहीं रहता है, जब ये जवाब देता है। If he says that this medicine is our grandmother, grandmother's remedy, हमको तो बचपन से मेरी दादी भी उनको भी कुछ होता था तो यही खाती थी, हम छोटे थे तब से हमको ये खिला, मतलब कुछ होता है तो यही खांसी होती है तो अड़ोसी के जो पत्ते होते हैं वही उसको पानी मतलब होता है उसको उबाल के पानी में डाल के पिलाए जाते हैं, तो
वो हमारे यहाँ चलता है, वो बरसों से हमारे बाप दादा की तरफ से मतलब ये चलता है, और हमारी अम्मी ने भी ये बताया, हमारे अब्बा का भी तो यही हिला था, दवा खाने नहीं जाते थे हम, तो ये हम लोग ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं, या अब्बा वगैरह सबको होती थी तो यही हमारे यहाँ रिवाज है या यही परंपरा, तो हम प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल लेंगे। अगर ये पेशेंट ऐसा बोलता है कि नहीं ये लविंग, डॉक्टर साहब लविंग जो होता है ना, मैंने पढ़ा हुआ है कि लविंग में तैयार डायरेक्ट बोला था, लविंग में ये प्रॉपर्टी होती है कि चली आ रही है ट्रेडिशन कि खांसी मिटाने के लिए यही चीज करनी है, तो ये प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल हुआ। और अगर कई लोग होते हैं कि होम रेमेडीज को पसंद करते हैं तो वो ट्रेडिशनल रेमेडीज नहीं कहेंगे हम उसे, ट्रेडिशनल माइंड भी नहीं कहेंगे उसे। कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ते हैं नेचुरोपैथी, पढ़ते हैं नेचुरोपैथी मुसलसल एक साइंस है, और उसमें आज भी उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है और उसमें यही चीजें दी खिलाई जाती है, तो फिर तो हम उनके सारे के लिए प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल ले लेंगे, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को जानता है कि जो उसने लिया वो उसका उसने स्टडी किया हुआ है, उसका मेडिसिनल इफेक्ट्स उसको पता है, और एज ए मेडिसिन लिया हुआ है उसने, तो ये प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल नहीं हुआ। प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल वो ही होगा के बारे मतलब एक फोन डिस्टर्ब कर देता है, प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल वो ही होगा जो बिना स्टडी किए बिना कुछ उसके लॉजिक के बस वो परंपरा है ना तो ले लो, वो ऐसा अगर है वर्जन तो हम प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल सिलेक्ट करेंगे। हियर ए पेशेंट हैज नो नॉलेज ऑफ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड क्योरिंग कैपेसिटी बट ही टेक दिस बिकॉज ऑफ इट्स इट इज ए कस्टम ऑफ हिज फैमिली। देखो अभी मैंने जो बताया पढ़ने से पहले उसका ट्रांसलेट कर दिया, यानी उसको इतना कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में कि ये मेडिसिन क्या काम करती है कैसे काम करती है, यानी हल्दी है दूध है, लेकिन बस ट्रेडिशन चली आ रही है तो चलो भाई अपने भी ले लेते हैं। ट्रेडिशनल प्रिजुडाइसिस इज नॉट ओनली लिमिटेड अप टू होम रेमेडीज और ग्रैंडमा रेमेडी। देखिए ये भी एक ट्रैप है, हम खाली ये हल्दी दूध लेके आने वाले में ही प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल लेते हैं, बट इफ एनी फैमिली हैज ए कस्टम टू गिव एन एलोपैथिक मेडिसिन नेम पैरासिटामोल प्रो एनी एलिमेंट एज इट गिव पैरासीटामोल मॉडर्न मेडिसिन है, लेकिन एक ट्रेडिशन चली रहे कि हम क्रोसिन खा लेने की कुछ भी हो तो क्रोसिन खाने के खा लेने की, हमारे दादा भी देते थे, हमारे हम छोटे थे अम्मी क्रोसिन पिला देती थी कुछ भी हो है। तो ऐसे ट्रेडिशन पैरासीटामोल लेता हो या कोई हल्दी लेता हो वो ट्रेडिशनल प्रिजुडाइसिस में आएगा, क्योंकि कुछ भी हुआ वो मेरा एक पेशेंट है वो डोलो ले लेता है, वैसे वो ट्रेडिशन में नहीं है लेकिन बस एक प्रिजुडाइज हो चुका है कि भाई ये मेडिसिन कुछ भी हो तो ये ले लो, ये प्रिजुडाइज्ड है, तो वो ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज में नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिशन नहीं थी अपना प्रिजुडाइज है कि भाई डोलो लेंगे ये मिट जाएगा, डोलो लेंगे तो मुझे ये पक्का खींचा मिट जाएगा, या ऐसे एलिमेंट्स में भी वो ले लेता है जिसमें पैरासीटामोल का कोई काम नहीं है। दीज पेशेंट्स आर प्रिजुडाइज अबाउट पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल का नॉलेज नहीं है कि इस काम में आती है कितना डोज लेना चाहिए, लेकिन एक बाप दादा की तरफ से क्रोसिन आती है ना टीवी में देख के ले लिया, मतलब उसकी माँ भी देती थी उसका बाप भी देता था दादा भी देते लेते थे घर में क्रोसिन रखते ही थे, तो वो पैरासीटामोल भी ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज हो जाएगा अगर ये भावना है तो पुरखों वाली या चली आ रहे कस्टम वाली। दीज पेशेंट आर प्रिजुडाइज अब दीज पेशेंट हैव प्रिजुडाइज अबाउट पैरासीटामोल
and have formed an opinion without getting knowledge about it and that it would cure their ailments. Some patients have a custom in their families to give a sick member the holy water according to their religion, for they are prejudiced about its curative properties, and it is their own custom. In such cases, we misuse the rubric superstitious. देखो यहाँ भी एक ट्रैप है कि superstitious हम लेते हैं. Though it seems to be superstitious act, but in fact it is given as a customary treatment running through generation in their family. यहाँ superstitious का एक ट्रैप है कि हम superstitious सिलेक्ट कर लेंगे कि गंगा जल यानी बीमारी को मिटा देगी, जमजम बीमारी को मिटा देगा. ये superstitious नहीं है, लेकिन एक फैमिली के ट्रेडिशन चली आ रही है, उस ट्रेडिशन के हिस्से के हिसाब से ये पिला रहा, जनरेशन से ये चली आ रही है ये चीज. दे डोंट हैव ब्लाइंड फेथ अपॉन दिस होली वाटर. देखो सुपरस्टिशियस को रोल आउट हो गया, ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये ट्रेडिशन चली आ रही है. सुपरस्टिशियस कब होता, ऐसा कोई तजुर्बा ना होता, ऐसी कोई थियरी ना होती तो भाई इससे शिफा मिलती है, और बस ये ले लिया कि भाई चलो ये ले लो ना यार. बट इट इज देयर ट्रेडिशनल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. कई लोगों के घर में होता है पड़ा हुआ पानी, जमजम का पानी, फर्स्ट एड, एंड दे हैव एक्सपीरियंस गुड रिजल्ट ऑफ दिस होली वाटर. सुना ना, ये सुपरस्टिशन रोल आउट हो गया. दे हैव एक्सपीरियंस गुड रिजल्ट ऑफ दिस होली वाटर, हो चाहे जमजम गंगा हो कुछ भी हो, तो उनको कभी मतलब पहले के लोगों को राहत मिले, वो एज अ प्लेसिबो इफेक्ट हो या कुछ भी हो. लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है, 10 में से 2 भी तो है कि भाई ये पिया और उसको राहत मिली. सो इट इज नॉट सुपरस्टिशन फॉर देम बट अ ट्रेडिशन ऑफ देयर फैमिली. ओके, सुपरस्टिशन रोल आउट हो गया. अब सुपरस्टिशियस पर्सन हैज अ बिलीफ इन समवन और समथिंग विदाउट एनी रीजन और लॉजिक. देखो सुपरस्टिशियस क्या है, अब इस पे आ रहे हैं. इफ ही शोज फेथ ऑन द क्योरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होली वॉटर प्रोवाइडेड टू हिम बाय समवन एंड ही हैज नॉट टेकन इट प्रीवियसली और हैज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय हिज सराउंडिंग्स, देन वी कैन कंसिडर दीज थिंग एज अ सुपरस्टिशन. Whereas in previous example, the patient takes it as a medicine and he and his family doesn't use always as a custom in every sickness of every member. यानी superstitious कब होता कि जब के कोई भी tradition का पता ना होता कि traditionally use होता है, वो पता नहीं है उसको, उसके आसपास वाले कोई use नहीं करते हैं, लेकिन बस यूं ही किसी ने दे दिया कि भाई ये है फलाने दरगाह का फलाना पानी है, इससे हो जाएगा, चलो इससे हो जाएगा. तो ये विदाउट एनी किसी का एक्सपीरियंस देखा है कि भाई इससे 10 में से 2 केस भी ठीक हुए हैं या 10 में से 2 को भी राहत हुई, ऐसा भी नहीं देखा उसने, या उसके सराउंडिंग्स में कोई यूज नहीं कर रहा, या उसके पुरखों ने कभी यूज नहीं किया, और ऐसी चीज उसको दी जाती है और फिर उसको ये मान लेता है कि नहीं ये सब हो जाएगा, चलो तो ये सुपरस्टिशियस होगा. We have another example in our surroundings. All the members of the family consults a fixed doctor since years. देखो prejudice traditional का एक नया वर्ग बना रहा है. The patient says that he and his family always consult doctor XYZ very first in every ailment and they get cured. But nowadays he is out of station and so he has consulted us. Here we get हाँ और एक trap आ रहा है, बहुत लंबा मेरा नोट है लेकिन अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ. यहाँ पे एक और trap आ रहा है. We may get confused with religious affections. Yani, faith hai. We have to ask more about this attitude. If he says that he and his family members have complete faith on him and the doctor never fails in treating them, then we can consider this attitude as a religious. Religious kya hota hai? Faith hota hai na. To khali mazhab ke baare mein use nahi hota, lekin kisi pe trust hota hai patient ko. Ke nahi, hum pe aap pe hi faith hai. यहाँ पे हमें चाम्ड में भी ट्रैप आता है, वो भी सब डिफरेंशिएशन आगे आएगा, बाद में कभी सेशन में ले लेंगे. तो रिलीजियस फेथ यानी बिल्कुल होली फेथ होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब बस इन पे ही फेथ है हमें, हम इन्हीं से ठीक होते हैं, तो ये रिलीजन अफेक्शन हो गया.
बट इफ ही सेज दैट इट इज अ रूटीन सिंस हिज ग्रैंडफादर वाज टेकिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम हिम देन हिज फादर एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स हैव बीन कंसल्टिंग हिम देन एंड दे यूज्ड टू कंसल्ट अनदर डॉक्टर ओनली व्हेन ही फेल्ट. यानी हमारे यहाँ पहला रिवाज के पहले तो ये डॉक्टर के पास जाने का, अगर उनसे ठीक नहीं हुआ तो हम जाएंगे, हमारे दादा के जमाने से ये चल रहा है, हमारे दादा इन्हीं के पास जाते थे, हमारे पूरे अब्बा भी इन्हीं के पास जाते, हम छोटे थे इन्हीं के पास ले जाते, हमारे यहाँ एक कस्टम ही बन गया है यहाँ पे प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल. नाउ वी कैन इंटरप्रिट दैट कंसल्टिंग दैट डॉक्टर फॉर एनी एलिमेंट हैज बिकम हिज ट्रेडिशन. यानी एक ट्रेडिशन हो गई है कि ये डॉक्टर के पास जाने की ट्रेडिशन बन गई है. एंड दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑफ बीइंग ऑल इन वन डॉक्टर विदाउट गेटिंग नॉलेज ऑफ हिज लिमिटेशन. एंड यानी साला छाती में दुखा तब भी उसके पास, और कोई स्ट्रोक आ गया तब भी उसके पास, तो ये यहाँ नॉलेज नहीं है कि ये डॉक्टर की लिमिटेशन कितनी है और प्रेजुडाइज हो गया. तो इंशाल्लाह जो हेड्स क्लासेस जो हमारे नेक्स्ट टाइम अगेन चलने वाले हैं उसमें थैंक यू मेरा सेशन हम ऐसे टाइम पे ही रखेंगे अब जो काफी वक्त हो हमारे पास. थैंक यू सर. तो थैंक यू. मेरे सेशन का टाइम थोड़ा अलग रखेंगे अगले पेड कोर्स में, क्योंकि अब मुझे जो हमें पढ़ाना है वो थोड़ा डिटेल में डिफरेंशिएट करते हुए और पेशेंट क्लिनिक में कैसे प्रेजेंट होगा वो देखना है और वो सीखना है कि हमारे सामने पेशेंट आएगा तो क्या बोलेगा और उसका क्या रूब्रिक लेना है, ये हमें सीखना है. तो अब के जो सेशंस होंगे वो थोड़े डिटेल में होंगे. ओके थैंक यू. ओके भाई थैंक यू सर. वेरी नाइस सेशन. थैंक्स अगेन. थैंक यू. थैंक्स टू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you. Thanks to all and good night.